बच्चों शुरू करें हम लोग आज की क्लास अपनी, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का जो मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है चार्ज। इस वर्ड का ही मतलब चार्ज। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे डेवलप हुई या इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे है, तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का एक्चुअल मतलब जो है वो यही है, चार्ज। ठीक है, अब चार्ज का मतलब क्या है, चलिए इस वर्ड पे आते हैं। यहां से जो चार्ज वर्ड आया है, पहले इसको समझा जाए कि चार्ज क्या है। इसको एक एक्टिविटी से समझ, मान लो कि ये इस पेन को अगर हम थोड़ी देर तक अपने हेयर पे रब करें, ऐसे हम हेयर पे रब करें, और रब करने के बाद इसको अगर छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास लेकर के जाएं, क्योंकि मेरे हेयर में ऑयल लगा हुआ तो नहीं होगा, ड्राई हेयर रहता तो हो जाता है। अगर हम इस पेन को थोड़ी देर तक अपने हेयर पे रब करें, और रब करने के बाद इस पेन को अगर हम छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास लेकर के जाएं, तो वो पेपर इस पेन से अट्रैक्टेड हो जाता है। ये बहुत कॉमन सी फेनोमेनन है, सबने देखा होगा, सब जानते होंगे, सबने किया होगा। तो इस पेन को जब हमने रब किया तो ये पेन चार्ज हो गया, और वो चार्ज होने के कारण उसने छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, आखिर हुआ क्यों ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि इस पेन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी सब्सटेंस, इस दुनिया का कोई भी मैटर किस किस चीजों से बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। कोई भी चीज जो है इसी तीन पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, तो ये सब्सटेंस, ये मैटर भी इलेक्ट्रॉन से बना है, प्रोटॉन से बना है और न्यूट्रॉन से बना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इसके न्यूक्लियस में है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जिसपे कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। अब यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। तो चार्ज आखिर है क्या, व्हाट इज चार्ज? चार्ज को डिफाइन करने के लिए हम पहले इस एक्टिविटी को समझ लेते हैं, फिर हम आते हैं इस पे चार्ज क्या है। देखिए, हमने इस पेन को रब किया, जब हमने इस पेन को रब किया तो रब करने के बाद इस पेन को अगर हम छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास लेकर के गए, तो ये पेन इस छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा। क्यों अट्रैक्ट करने लगा? क्योंकि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए थे, और वो निकलने के कारण इस पेन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गई। वो इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां आ गए, हमारे हेयर पे आ गए। ठीक है, हमारे हेयर पे आ गए। जब हेयर पे आ गए तो इस जगह इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई तो ये कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब ये पेपर जो इटसेल्फ किसका बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ही बना है, तो इस पेपर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इलेक्ट्रॉन्स विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस पेन, और इसके इधर की ओर अट्रैक्टेड होने के कारण ही हमें ऐसा दिखता है कि पेपर इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड दैट पेन। ठीक है, ये हमें दिखता है। अब यहीं पे एक बात सोचिए, अगर इस पेपर को आपने रब किया था, यहां पे इस वाले पार्ट को रब किया था पेन को, अगर इस पेपर को आप यहां पे लेकर के जाओ, इस जगह पे रबिंग वाला पार्ट ये है जिस पार्ट को आपने रब किया, मान लीजिए कि हमने इस पार्ट को रब किया, और पेपर को अगर हम यहां पे लेकर के जाए तो क्या यहां पे अट्रैक्शन होगा, विल पेपर विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड दिस पार्ट? नहीं, बट द पेपर शुड बी न्यूट्रल। पेपर तो न्यूट्रल होगा ही, पेपर में तो सारी चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब चीजें होती है, तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर अट्रैक्टेड हुआ, प्रोटॉन उसके नीचे वाले पार्ट में आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन उसके सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि उसमें रेडियस एटम के बाहर है ना, मतलब एटम के बाहर वाले पार्ट में है इलेक्ट्रॉन, तो एटम जो है उसके बाहर वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन उसके सरफेस पे आ जाएगा, और बाहर सरफेस पे आने के कारण वो उधर की ओर अट्रैक्टेड। ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चन ये पूछ रहा था, मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा था कि यहां पे जब हमने पेन को रब किया, इस जगह पे हमने रब किया,
यहाँ पे पेपर तो अट्रैक्टेड हुआ, जैसा यहाँ पे आप देख रहे हो कि पेपर इधर की ओर अट्रैक्टेड हुआ। लेकिन अगर हम इसी पेपर को यहां पे लेकर के जाए जहां पे हमने रब नहीं किया है, तो क्या ये पेपर इस पेन की टुवर्ड अट्रैक्टेड होगा? क्यों नहीं होगा? रीजन क्या है कि यहां पे तो अट्रैक्शन हो रही है लेकिन यहां पे अट्रैक्शन नहीं है, इस पार्ट को हमने रब नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज यहाँ पे डेवलप हो रहा है, इस जगह पे जो चार्ज डेवलप हुई है, दैट चार्ज इज नॉट मूविंग टू दिस प्लेस। इसका मतलब यही हुआ ना, अगर हमने हमारे रब करने से इस पार्ट के साथ ये पार्ट भी चार्ज्ड हो जाता तो पेपर यहाँ पे भी अट्रैक्टेड होता, लेकिन पेपर यहाँ पे अट्रैक्टेड नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो चार्ज यहाँ पे डेवलप हुई है, दैट इज नॉट मूविंग टू दिस प्लेस। If the charge is not moving to this place, that means that charge which is developed here is static to that position, है ना? यहाँ पे जो चार्ज डेवलप हुई है, वो किस तरह की चार्ज है? वो चार्ज ऐसी चार्ज है जो वहां पे डेवलप तो जरूर हो रही है, लेकिन वहां से एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रही। ठीक है? तो उस तरह की चार्ज विच इज डेवलप्ड बट इज स्टैटिक टू दैट पोजीशन ओनली, दैट इज नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट टाइप ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज स्टैटिक चार्ज। अब व्हाई इज इट नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, इट इज मेड अप ऑफ रबर। तो ये क्या है? इंसुलेटर है, और इंसुलेटर चार्ज को कैरी नहीं करता, कैरी नहीं करता। इसलिए आपने जब इस पार्ट को रब किया तो इतना ही पार्ट रब हुआ, इतना ही पार्ट चार्ज हुआ, वो चार्ज यहां से यहां मूव नहीं किया, बिकॉज दैट इज एन इंसुलेटर, इसलिए चार्ज की मूवमेंट नहीं हो रही है। अब यहां पे एक चीज समझ में आ रहा है हमें कि इस तरह का भी चार्ज होता है जो डेवलप तो होता है बट वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता। उस तरह की चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक चार्ज बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। स्टैटिक चार्ज बोलेंगे या फिर इसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या इसको बोला जाता है इलेक्ट्रो स्टैट। इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलिए या फिर इसको क्या बोलिए? इलेक्ट्रो स्टैट बोलिए। स्टैट, स्टैट का मतलब स्टैटिक, दैट इज नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो स्टैट। क्लियर? अब देखो, जब हम अपने घरों की बात करते हैं, हमने स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन करने के साथ ही बल्ब ऑन हो गया या फैन रोटेट करना शुरू हुआ, तो इसका मतलब जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया तो कुछ तो ऐसी थी ना वायर के अंदर जो कि वहां से मूव करनी शुरू हुई, कुछ तो ऐसी रही होगी वायर के अंदर जो वहां से मूव कर रही है। स्विच ऑन किया, वहां पे बल्ब ऑन हो गया, तो वहां पे कुछ ऐसा जरूर था जो कि मूव किया है वन प्लेस टू अनदर। अब वहां पे क्या है कि चार्ज इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज नॉट स्टैटिक, दैट इज मूविंग एक्चुअली। उस तरह की चार्ज जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, उस तरह की चार्ज को विच इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? दैट इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज करंट करंट वर्ड मींस क्या? ये जो वर्ड है करंट, करंट वर्ड का मतलब क्या होता है? जब पानी बहुत तेज फ्लो कर रही हो, वाटर करंट है ना, विंड की करंट भी हो सकती है, विंड अगर बहुत तेज फ्लो कर रही हो, ब्लो कर रही हो तो विंड की करंट भी हो सकती है। कोई भी चीज बहुत तेज फ्लो करेगी, फ्लो कर रही है, मूव कर रही है, दैट इज करंट। वाटर की करंट होती है, यहाँ पे चार्ज की करंट है। ठीक है? तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करेगी, जहां पे मोशन में होगा, क्या मोशन में होगा? मोशन में तो होगा, लेकिन क्या चार्ज मोशन में? क्या होगा? चार्ज होगा। जब चार्ज मोशन में होगा तो हम उसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज इन मोशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का मतलब हुआ चार्ज इन मोशन, और यहां पे चार्ज इज स्टैटिक, चार्ज इज नॉट मूविंग। तो यहां पे ये जो स्टैटिक चार्ज है, दैट मीन्स चार्ज इज नॉट मूविंग, इट इज नॉट मूविंग। ओके?
क्लियर, करंट इन मोशन, चार्ज इन मोशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज इज स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज। अब यहां पे देखो चार्ज, जब भी हम ये वर्ड बोलेंगे ना चार्ज, चार्ज वर्ड का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, चार्ज वर्ड का मतलब कभी भी सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब भी हम चार्ज वर्ड की बात कर रहे हैं तो वहां पे किसी भी कोई भी चीज हो सकती है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, वहां पे अल्फा रे हो सकता है, वहां पे बीटा रे हो सकता है, वहां पे एनायन हो सकता है, कैटायन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चार्ज। ऐसा कभी मत समझिएगा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तभी जाके वहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, बिल्कुल नहीं। कोई भी चीज मूव करे चार्ज होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, अल्फा रे हो, बीटा रे हो, एनायन हो, कैटायन हो। अब न्यूट्रॉन मत समझ लीजिएगा, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती है। न्यूट्रॉन नहीं लिखा मैंने यहां पे, गामा रे नहीं लिखा यहां पे, क्योंकि गामा पे कोई चार्ज नहीं होती, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती, तो न्यूट्रॉन के मूवमेंट से कोई चार्ज नहीं होगी, गामा रे की मूवमेंट से कोई चार्ज नहीं होगी। ये सब जो है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आपको पता ही है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, अल्फा रे पे पॉजिटिव, बीटा पे नेगेटिव, एनायन जो है नेगेटिव, कैटायन जो है पॉजिटिव, पता ही है आपको सबको, इतना तो सबको आइडिया है। तो जब ये मोशन में होगा करंट, जब वो स्टैटिक होगा रुका हुआ होगा स्टैटिक। अब चार्ज है क्या, व्हाट इज चार्ज? देखो चार्ज का मतलब क्या है समझो, जब भी हम चार्ज की बात करते हैं तो इसका मतलब ये एक्चुअली एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है समझिए, जैसे आपने क्लास 9th में मैटर को डिफाइन किया था और मैटर के डेफिनेशन में आपने क्या बोला था कि मैटर हम उस तरह के किसी भी सब्सटेंस को बोलेंगे जिसमें क्या होगा, मास होगा, और जिसमें क्या होगा, दैट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस। मतलब किसी मैटर को डिफाइन करने के लिए आप बिना मास के और बिना स्पेस के यू कैन नॉट कंसीडर एनी मैटर, नहीं बोल सकते ना। बिल्कुल उसी तरह से क्या कोई भी मैटर ऐसा हो सकता है जो बिना एटम का हो? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। कोई भी मैटर है इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का, कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर किस किस चीज का बना होगा, दैट इज मेड अप ऑफ मैटर, दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स। और अगर वो एटम का बना हुआ है तो वो फंडामेंटली किस चीज का बना हुआ है? अगर वो एटम है तो किस चीज का, फंडामेंटली क्या है वो? दैट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मींस दैट इज हैविंग चार्ज। तो दिस इज आल्सो अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। जैसे मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि इट विल हैव सम मास, इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस, जस्ट लाइक दैट इट इज आल्सो अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑफ द मैटर। इसके बिना किसी मैटर को एज्यूम ही नहीं किया जा सकता, चार्ज के बिना। चार्ज होगा ही होगा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वहां पे होगा ही होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो वहां पे होगा ही होगा, ठीक है। उसके बिना किसी मैटर को हम कंसीडर ही नहीं कर सकते। तो चार्ज को हम डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑफ द मैटर, जस्ट लाइक इट्स मास, जस्ट लाइक इट्स वॉल्यूम, ठीक है। दिस इज जस्ट अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट इमेजिन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट दिस चार्ज, ठीक है। दिस इज अ फंडामेंटल। तो ये हो गया चार्ज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, अगर कोई भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है तो उसको आप क्रिएट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट क्रिएट एनी ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, नाइदर यू कैन डिस्ट्रॉय एनी ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जस्ट लाइक इट्स मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एंड यू कैन नॉट क्रिएट एनी चार्ज, neither you can destroy any charge, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी चार्ज की जो हो गई वो ये हो गई, चार्ज कैन neither बी क्रिएटेड nor बी destroyed, this is fundamental property. चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी,
सिमिलर चार्जेस विल रिपेल ईच अदर एंड डिसिमिलर चार्जेस सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट रिपेल करेंगे और डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, ये तो मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा कि जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज हम यहां पे लें या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज लें तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज अगर हम लें तो ये भी जो चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिसिमिलर चार्ज ले लें, एक पॉजिटिव ले लें और एक नेगेटिव ले लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, ये तो आप सबको पता ही है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो चीज हमें समझनी है, एक्चुअली जो चीज मैं अब समझाने जा रहा हूँ वो चीज एक्चुअली आपके सिलेबस में है नहीं, थोड़ा सा कभी कभी स्कूल वाले कुछ पढ़ा देते हैं इसके बारे में, तो मैं भी उस टॉपिक को थोड़ा सा टच कर रहा हूं, बट ये सिलेबस में आपके नहीं है। जैसे चार्ज है तो चार्ज को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, समझे जरा। जैसे मास है, मास को हम m लिखते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो SI यूनिट होती है मास की वो किलोग्राम, और इस किलोग्राम का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन किलोग्राम का होता है केजी, होता है ना, किलोग्राम को तो केजी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, या स्मॉल क्यू भी ले सकते हो। बड़े चार्ज के लिए हम लोग, जब ज्यादा चार्ज होगा तो उसके लिए हम कैपिटल क्यू लेते हैं, और जो छोटा चार्ज होता है उसके लिए हम लोग नॉर्मली स्मॉल क्यू। जैसे बड़े मास के लिए भी, जैसे आपको याद हो अगर, तो अर्थ का मास जो है जब हमने 9th क्लास में कंसीडर किया था तो वो कैपिटल एम में लिए थे, और छोटे मास के लिए हम स्मॉल एम यूज करते हैं। उसी तरह से ज्यादा चार्ज जब जहां पे हो उसको कैपिटल क्यू से, और जहां पे कम चार्ज हो उसको हम लोग स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलम, ठीक है, चार्ज की SI यूनिट कूलम हो गई, और इसकी रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो सी से हो। क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है और कूलम को रिप्रेजेंट करने के लिए सी का यूज किया जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पे दो चार्जेज हैं, सपोज करें कि यहां पे एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। अब इस दोनों चार्ज के बीच में अगर वो सिमिलर चार्ज होगी तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा। अगर वो डिसिमिलर चार्जेस होगी तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे के पास आएगा दोनों चार्ज। तो चाहे जो भी हो, अट्रैक्शन हो, रिपल्सन हो, जो भी हो, फोर्स तो है दोनों के बीच में, है ना, दोनों के बीच में फोर्स है ना। ये जो फोर्स है कुछ भी हो सकता है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स कुछ भी हो, हम उसमें अभी नहीं जा रहे कि कौन सी फोर्स है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव है। वो तो सिंपल सी बात है कि अगर वो सिमिलर चार्जेस हुई तो रिपल्सन होगा और डिसिमिलर चार्जेस हुई तो अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये तो क्लियर है। लेकिन यहां पे जो भी चीज हो, ये जो फोर्स है, इस फोर्स की जो वैल्यू होगी दोनों के बीच में, उस फोर्स की वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी के इनटू Q1 into Q2 divided by square of the distance between that two charges. अगर इस दोनों के बीच की distance को हम R मान लें, तो that will be K into Q1 into Q2 divided by R square. ठीक है? ये इसका formula है, इस दोनों के बीच के force का formula है, इस दोनों charge के बीच के force का formula है। इसमें Q1 and Q2 These are the different charges.
आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट टू चार्जेस, और एफ जो है दैट इज द फोर्स, जो भी फोर्स हो, अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, जो भी फोर्स हो। अब यहां पे ये बात आती है कि के क्या है। के को हम लोग बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। के को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कूलम्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। के की वैल्यू मैं यहां लिख दे रहा हूं, अगर किसी को लिखना हो, वैसे नोट्स में है सारा, लेकिन अगर किसी को लिखना हो तो लिख सकते हो, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, इसकी वैल्यू निकाल लेना तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम्ब इंटू कूलम्ब, ये आ गया कूलम्ब स्क्वायर। तो ये हो गया के की वैल्यू, जिसको हम लोग कूलम्ब कॉन्स्टेंट बोलते हैं, ये वैल्यू हो गया, और कूलम्ब कॉन्स्टेंट की ये हो गई एसआई। हम आते हैं अब तीसरी प्रॉपर्टी में, थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, पहली प्रॉपर्टी आप क्या देखे थे आपने, कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दूसरी प्रॉपर्टी आपने चार्ज में क्या देखी थी, कि सिमिलर चार्जेस विल रिपेल ईच अदर एंड डिसिमिलर चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी आप क्या देख रहे हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज एक इंटीग्रल मल्टीपल में पास ऑन होगा। अब इंटीग्रल मल्टीपल में पास ऑन होने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि अभी हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, अभी हम दूसरे कैटायन एनायन की बात नहीं कर रहे, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। सपोज करो अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की फ्लो हो रही है और वहां पे चार्ज डेवलप हो रहा है, अलग अलग कैटायन एनायन से अलग अलग चार्ज डेवलप होगी, अभी हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। ये एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेनली किस चीज की फ्लो होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो हम इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज की बात करेंगे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगी, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में नॉर्मली हम लोग मेटल वायर का यूज करते हैं और मेटल वायर में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, तो वहां पे हमें इलेक्ट्रॉन की बात करनी पड़ेगी। दूसरे अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगी, अभी हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होती है वो ये होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। अभी देखा था आपने चार्ज की जो एसआई यूनिट थी वो कूलम्ब होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, जैसे सपोज करो कि ये एक मेटल का रॉड है या कोई भी कंडक्टर है, चार्ज इज मूविंग फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, ठीक है, हम इसको अभी समझने जा रहे हैं क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, सुनिए। तो चार्ज इज मूविंग फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, ओके, तो जब चार्ज ए से बी पे मूव कर रहा है तो आखिर मूव क्या कर रहा है, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहां से यहां एक इलेक्ट्रॉन मूव किया इधर से इधर, ध्यान से सुनिए, इधर से इधर एक इलेक्ट्रॉन मूव किया, तो यहां पे क्या हुआ कि 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम की चार्ज कम हो गई, इधर कम हो गई, और यहां पे क्या हुई कि वन इलेक्ट्रॉन जो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम की चार्ज थी वो बढ़ गई ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुआ यहां पे वो इलेक्ट्रॉन की चार्ज कम हो गई और यहां पे वो इलेक्ट्रॉन की चार्ज बढ़ गई। अगर मान लीजिए यहां से यहां 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो,
तो इसका मतलब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन की चार्ज कम हो जाएगी और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन की चार्ज बढ़ जाएगी, सिंपल जाने का मतलब। ओके, अगर यहाँ पे 1000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन कम होगा वो यहीं पर, यहाँ पे उतना ही तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, बिकॉज चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जितना चार्ज यहाँ पे कम होगा उतना ही चार्ज यहाँ पे बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे 1000 इलेक्ट्रॉन की चार्ज बढ़ गई। ठीक है, सिंपली यहाँ पे कम हो रही है तभी तो यहाँ पे बढ़ रही है। अगर यहां से यहां मान लीजिए कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है, तो यहां पे कितनी चार्ज बढ़ गई, n इंटू चार्ज यहां पे बढ़ गई। ठीक है, समझ में आई बात, क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ यहां से यहां, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज कम हुई, यहां पे इलेक्ट्रॉन की चार्ज जितनी यहां पे कम होगी उतनी यहां पे बढ़ेगी। अगर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन की चार्ज कम हुई, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन की चार्ज बढ़ी, 100 ट्रांसफर हुआ तो 100 कम हुई, यहाँ पे वो उतनी बढ़ गई। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की चार्ज यहाँ पे कम हो गई और इस जगह पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की चार्ज यहाँ पे बढ़ गई। तो यहाँ पे टोटल चार्ज जो डेवलप हुई इस जगह पे, टोटल चार्ज कितनी डेवलप हुई, जो टोटल चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, टोटल चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं ना, कहीं पे आपने पढ़ा था ना आपने, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो किसी जगह पे टोटल चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू ई। ये हो गया आपका इस चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला, यहां से आ गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। वॉट इज क्यू, क्यू इज द टोटल चार्ज, वॉट इज एन, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, एंड वॉट इज ई, ई इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज किसी जगह पे जो डेवलप होगा, दैट टोटल चार्ज विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्यू, एंड क्यू इज इक्वल टू वॉट, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम ही वन प्लेस टू अनदर, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड विद द चार्ज विच इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, उतनी यहां पे कम हुई इतनी यहां पे बढ़ गई। क्यू इज इक्वल टू एन इनटू ई, व्हाट इज क्यू, या क्यू इज द टोटल चार्ज, क्यू इज द टोटल चार्ज, व्हाट इज एन, एन हियर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, व्हाट इज ई, ई इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू ये होती है। अगर हम इस पेन को यहां से यहां दूसरी जगह ट्रांसफर करें, मान लो कि एक पेन का मास जो है वो होता है 100 ग्राम, मान लेते हैं एक पेन का मास 100 ग्राम है, अगर हम यहां से यहां ट्रांसफर कर दें दूसरी जगह पे, तो या इस हैंड से हम इस हैंड में ट्रांसफर कर दें, तो इसका मतलब यहाँ पे एक पेन का मास कम हो गया और यहाँ पे एक पेन का मास बढ़ गया, यहाँ पे दूसरा पेन ट्रांसफर कर दें तो अब यहाँ पे दो पेन का मास कम हो गया, यहाँ पे दो पेन का मास बढ़ गया, इसी को क्वांटाइजेशन बोलते हैं। क्वांटाइजेशन मतलब क्या, ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, जब भी होगा तो ये किसमें होगा, होल नंबर में ट्रांसफर होगा, एक पेन का मास, आधा पेन ट्रांसफर नहीं हो सकता, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा ना, आधा इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर नहीं हो सकता, 3/4 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा वो हमेशा इसके इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो, जब भी चार्ज की ट्रांसफर होगी तो चार्ज की ट्रांसफर हमेशा इसके इंटीग्रल मल्टीपल में होगी, 1, 2, 10, 50, 100, 1000 जितना भी हो वो हमेशा इसके इंटीग्रल मल्टीपल में होगी, कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ द चार्ज जब भी होगी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल
इंटीग्रल मल्टीपल में हो, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती ना। इलेक्ट्रॉन को आप ब्रेक कर सकते हो क्या, दो जब भी होगी 2/3, 1/3, 1/4 ऐसे तो नहीं हो सकता, तो जब भी होगी ये इसके इंटीग्रल मल्टीपल में, ठीक है, होल नंबर्स में। ये पहला फॉर्मूला है। और यहां से एक क्वेश्चन भी है, सबसे पहला न्यूमेरिकल जो इस चैप्टर का है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, दिस वी हैव टू फाइंड। तो यहां पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, दिस मींस एन यू हैव टू फाइंड आउट। टोटल चार्ज की वैल्यू दी हुई है 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन की चार्ज मैंने आपको बता ही रखी है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब यहां पे फॉर्मूला लगाइए, Q=n(e)। ये फॉर्मूला है आपके पास, एन की वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट, This is Q divided by E, ठीक है, Q divided by E हो गया, तो Q कितना हो गया 1 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19, अब इस minus 19 को ऊपर लेकर के जाइए, तो N is equal to क्या हो गया 1 by 1.6 into 10 to the power 19 ऊपर आ गया, माइनस 19 नीचे था ऊपर आया तो क्या हो गया प्लस 19। अब इसका डेसिमल हटाइए, ये हो गया 10 divided by 16 into 10 to the power 19, इसको डिवाइड कीजिए, इट विल कम टू 0.625 into 10 to the power 19। तो n की वैल्यू आ गई, इसको सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए, 6.25 into 10 to the power 18। दिस विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ओके, तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम्ब ऑफ द चार्ज, जो आपके इस एनसीईआरटी का सबसे पहला न्यूमेरिकल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है, आप लोगों को सॉल्व करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। Find number of electrons that will constitute 0.2 coulomb of charge। ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। इसका आंसर होगा 1.25 into 10 to the power 18 number of electron। This will be the answer. 1.25 into 10 to the power 18 number of electron। Same उसी तरीके से इसको solve करें। Q is equal to N into E। Q की value आपको 0.2 दे रखी है, तो 0.2 is equal to N into 1.6 into 10 to the power 1.6 into 10 to the power minus 19। N की वैल्यू 0.2 डिवाइडेड बाय 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19, इसको सॉल्व करें, इट विल कम टू 1.25 into 10 to the power 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल कॉन्स्टिट्यूट 0.2 कूलम ऑफ चार्ज। आगे बढ़े, तो इसी तरह से ये होगा, सिंपल क्वेश्चंस हैं इसके, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसके क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हमारे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है। देखिए, कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है, कंडक्टर हम किसको बोलेंगे, सिंपल अगर हम लैंग्वेज में बोलें तो कंडक्टर उसको बोलेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, एकदम सिंपल सी बात हो गई, मतलब इसमें कुछ सोचने की बात नहीं, दैट विल अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू कंडक्ट, बिल्कुल सही बात। लेकिन ये डेफिनेशन आपके क्लास के अकॉर्डिंग नहीं बनता, आपके क्लास के अकॉर्डिंग नहीं बनता।
आपके क्लास के अकॉर्डिंग इसको डेफिनेशन को थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा इसमें कि कंडक्टर हम उस तरह के सब्सटेंस को बोलेंगे जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कौन? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्या है, कहां से आया ये फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट? सुनिए, फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे कोई मेटल है, मेटल नॉर्मली आपने सुना होगा, देखा होगा, फील किया होगा कि मेटल जो है ठंडा होता है ना, ठंडा देखा ही होगा क्योंकि गुड कंडक्टर है ये हीट का भी। और अगर आप नील्स बोर का कॉन्सेप्ट याद करो, वहां से समझ में आएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ध्यान से सुनो, नील्स बोर का कॉन्सेप्ट याद करो कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा होगा, डिस्क्रीट ऑर्बिट करके एक कॉन्सेप्ट दिया गया था आपको 9th में, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट कर रहा होता है और अगर वो एनर्जी गेन करे, अगर मान लीजिए उसने एनर्जी गेन किया आउटर एटमॉस्फेयर से, तो आउटर एटमॉस्फेयर से एनर्जी गेन करने के बाद क्या होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन अपने हायर ऑर्बिट में जंप कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। और जब उस अपने हायर ऑर्बिट में शिफ्ट कर जाते हैं, वहां पे जब जंप करते हैं तो क्या होता है कि उसकी एनर्जी की लेवल हाई होने के कारण वो ऑर्बिट में गए। अगर और एनर्जी गेन किया तो वो अपने ऑर्बिट से ही बाहर निकल जाए क्योंकि एनर्जी काफी ज्यादा हो गई ना। जब एनर्जी उसकी इतनी ज्यादा हो गई कि उस इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस से जो बाइंडिंग फोर्स थी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाइंडेड होता है ना क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, तो उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, वहां पे जो बाइंडिंग फोर्स है, अगर उस बाइंडिंग फोर्स से ज्यादा एनर्जी उसको मिल गई तो वैसी कंडीशन में दैट विल कम आउट आउट ऑफ दैट ऑर्बिट, क्योंकि वहां पे जब वो ऑर्बिट से बाहर आ जाएगा तो ऑर्बिट से बाहर जाएगा कहां, वो इधर उधर घूमता रहेगा, कभी किसी किसी एटम में चला गया, तीसरे एटम में चला गया, वो इधर उधर घूमता रहता है। उस तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो मेटल में काफी ज्यादा होते हैं। उस तरह के इलेक्ट्रॉन्स मेटल में काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है गुड कंडक्टर होता है, वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है। जब एटमॉस्फेयर से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए तो मेटल हमें ठंडा लगता है क्योंकि वो एनर्जी गेन करता है, गुड कंडक्टर है ना, एनर्जी गेन करेगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट से बाहर निकल गया, वो इधर उधर घूम रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है किस तरह का इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की बात होती है तो फ्री इलेक्ट्रॉन जिसके पास जितना ज्यादा रहेगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब ये क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, ये भी तो एटम है, इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन है, एटम है तो मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, बट दिस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो है ना, बट दैट इज नॉट फ्री, दैट इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए इस तरह का सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री, मतलब जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, दैट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम इसको डिफाइन करेंगे कंडक्टर को, हम कंडक्टर को ऐसे डिफाइन करेंगे, एनी सब्सटेंस व्हिच विल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम लोग बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसको कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर में इसी को जस्ट अपोजिट लिख दीजिए, एनी सब्सटेंस व्हिच विल नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इंसुलेटर।
ओके, और ये हो गया कंडक्टर, गुड कंडक्टर। तो यही हो गया सिंपल डेफिनेशन इसकी, यही हो गई कंडक्टर और इंसुलेटर की। एग्जाम्पल में आ जाओ, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर, इसमें आ जाइए, ऑलमोस्ट ऑल नॉन मेटल्स एंड रबर प्लास्टिक पेपर वुड एक्सेट्रा, ये सब के सब जो है क्या हो जाएंगे, इंसुलेटर हो। एकमात्र जो आपको याद रखना है कि वो उस तरह का सब्सटेंस ग्रेफाइट होता है जो कि नॉन मेटल होते हुए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बारे में आपको मैं कार्बोनेट कंपाउंड में डिटेल में समझाऊंगा ग्रेफाइट में ऐसा क्यों होता है, अभी आप इतनी चीज याद करें, ओके। चल तो हम लोग आज की क्लास यही ओवर करते हैं, ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।